यस, देखिए आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन, पहले हमने इंटीग्रेशन ख़त्म किया, अब हम डेफिनेट इंटीग्रेशन के ऊपर आ रहे हैं। डेफिनेट इंटीग्रेशन ये बहुत ही सिंपल चैप्टर है। इस चैप्टर में जो मेन चीज़ है वो हमको इसकी प्रॉपर्टी समझना है। अगर आप इसकी प्रॉपर्टी समझ लेंगे तो बाकी की जो सारी कॉन्सेप्ट्स है वो इंटीग्रेशन की ही आने वाली है। जैसे कि डेफिनेट इंटीग्रेशन वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, बिल्कुल एक क्वेश्चन फिक्स आता है इसका, जेई मेन्स हो एडवांस हो आपको बिल्कुल मिलेगा, सीईटी हो अदर इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम में भी, जैसे कि एमएसटी सीईटी हो एनडीए हो, आपको इसका क्वेश्चन मिलेगा, मतलब मिलेगा। कैलकुलस का सीरीज हमारी ये कंटिन्यू चल रही है। सो देखिए पहली इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है उसके ऊपर हम ध्यान देंगे। पहले हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज़ को समझ लेंगे, प्रॉपर्टीज़ का नाम क्या है। इसके मैंने अपने कुछ अपने खुद के एक नाम दिए हैं, उस नाम देने से इसको थोड़ा याद रखने में ईजी हो जाता है और इसको अप्लाई करने में भी एकदम ईजी हो जाता है। अब देखिए सबसे पहले जो पहली प्रॉपर्टी है, इंटीग्रेशन ए से लेकर बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए से लेकर बी एफ ऑफ टी डी टी। ठीक है, इस प्रॉपर्टी का बोलने का मतलब यह है कि अगर आप वेरिएबल चेंज कर दो, चाहे आप एक्स वेरिएबल से इंटीग्रेशन करो फंक्शन को या आप टी वेरिएबल से फंक्शन को इंटीग्रेशन करो, अगर आपकी लिमिट सेम है तो वो आपस में इक्वल ही रहेंगे। ठीक है, मतलब कि आप साइन एक्स का इंटीग्रेशन करो या आप साइन टी का इंटीग्रेशन करो, आपका आंसर सेम ही आएगा। दूसरी प्रॉपर्टी जो है, इंटीग्रेशन ए से लेकर बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन बी से लेकर ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इस प्रॉपर्टी में ऐसा बोलने का मतलब है कि अगर आप लोअर लिमिट, ये बिल्कुल याद रखना, इसको हम बोलते हैं अपर लिमिट और इसको बोलते हैं हम लोअर लिमिट। ये बहुत बेसिक चीज है, ये सभी को आती है। पहले मैं आपको सबको एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये जो वीडियो बनाया जा रहा है जेई अप्रैल 2020 के हिसाब से बनाया जा रहा है, तो ये रिवीजन वीडियो है, हम यहाँ पर रिवीजन करने आए हैं। मैं इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स कवर करूँगा, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कवर करूँगा, बेसिक कॉन्सेप्ट भी बताऊँगा, पर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे हम। ठीक है, सो देखिए इंटीग्रेशन ए से लेकर बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन बी से लेकर ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इस प्रॉपर्टी का मतलब बोलने, इस सेकंड प्रॉपर्टी का बोलने का ये मतलब है कि अगर आप लोअर लिमिट और अपर लिमिट को इंटरचेंज कर दोगे, देखिए यहाँ ए से बी था, यहाँ बी से ए हो गया, तो जब आप लोअर लिमिट और अपर लिमिट को इंटरचेंज कर देंगे तो आपको निगेटिव साइन अप्लाई करना पड़ेगा इंटीग्रेशन के लिए। ठीक है, ये हुई हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी देखिए, थर्ड प्रॉपर्टी का बोलने का मतलब यह है कि इंटीग्रेशन ए से लेकर बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ए से लेकर सी प्लस सी से लेकर बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। और ये जो सी है ये क्या है, ए से बड़ा है और बी से क्या है, छोटा है। इसका मतलब आप इसका एक्सपांशन कर सकते हो ए से लेकर बी को इस प्रकार से। और जो सी नंबर है ये याद रखिएगा, ये जो सी की जो वैल्यू रहेगी ये ए से बड़ी रहनी चाहिए और बी से छोटी रहनी चाहिए। मतलब कि अगर मान लीजिए ए की वैल्यू अगर 4 है और बी की वैल्यू अगर मान लीजिए 7 है, तो डेफिनेटली सी की जो पॉसिबल वैल्यूज होगी वो क्या क्या होगी, बोलिए 5, 6, 5.5, 6.5, इस प्रकार से। ठीक है, सो ये हुई हमारी थर्ड प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, सो देखिए जो फर्स्ट 1, 2, 3 है ये थोड़ी बेसिक प्रॉपर्टी है, जनरली इन प्रॉपर्टीज का यूज उतना नहीं होता है मेंस और एडवांस के लिए। अब देखिए फोर्थ प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी को देखिए, इंटीग्रेशन 0 से लेकर ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेकर ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। चौथी जो प्रॉपर्टी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, मैं आखिरी में अभी नेमिंग करवाऊंगा आपको, मैं इनको ऐसे ऐसे नाम देता हूं। सो ये जो चौथी प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी में याद रखिए क्या करना है हमको, x की जगह a माइनस एक्स को रिप्लेस कर देना है, x की जगह a माइनस एक्स को रिप्लेस कर देना है पूरे फंक्शन में। और याद रखना ये जो प्रॉपर्टी है वो 0 से a, जब आपका प्रॉब्लम 0 से a के फॉर्म में रहेगा, a की कोई भी वैल्यू हो सकती है यहाँ पर, 0 होना चाहिए जनरली, तो 0 से a के फॉर्म में है तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई की जाती है। अब देखिए फिफ्थ प्रॉपर्टी, ये देखिए 0 से लेकर ट्वाइस a एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 से लेकर a एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस 0 से लेकर a एफ ऑफ ट्वाइस a माइनस एक्स डी एक्स। पेन कॉपी लेकर बैठिए। ठीक है, अब यहां पर देखिए ये कुछ पर्टिकुलर केसेस है जो मैंने डिराइव करके रखी है, कुछ पर्टिकुलर केसेस है। अगर देखिए एफ ऑफ ट्वाइस ए माइनस एक्स की वैल्यू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स, यस देखिए, सो इंटीग्रेशन फिफ्थ प्रॉपर्टी देखिए 0 से लेकर ट्वाइस ए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, 0 से लेकर ट्वाइस ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 से लेकर ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स
प्लस जीरो से लेकर ए एफ ऑफ ट्वाइस ए माइनस एक्स डी एक्स। ध्यान से रखना, ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर फोर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर फाइव ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, और हम अभी दो प्रॉपर्टी देखने वाले हैं। सो बेसिकली डेफिनाइट इंटीग्रेशन में चार प्रॉपर्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जनरली जो क्वेश्चन होते हैं, चाहे वो मेन्स लेवल हो, एडवांस लेवल हो, और भी कोई जो मतलब एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उसके लेवल में जो भी क्वेश्चन आएंगे वो ये चारों प्रॉपर्टी के ही हेल्प से होते हैं सॉल्व, और ये ही चार प्रॉपर्टी मेन होती है। ठीक है, सो देखिए, जीरो से लेकर ट्वाइस से एफ ऑफ एक्स डी एक्स इजिकल टू जीरो से लेकर एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस जीरो से लेकर एफ ऑफ ट्वाइस ए माइनस एक्स। यहां पर आपको एक्स की जगह रिप्लेस क्या करना है, ट्वाइस ए माइनस एक्स, कंफ्यूज मत हो जाना, ट्वाइस ए माइनस एक्स। और कुछ एक पर्टिकुलर केसेस है जो मैंने डिराइव करके रखी है, इसको भी आप देख लीजिए। इसकी वैल्यू जीरो हो सकती है अगर ट्वाइस ए माइनस एक्स की वैल्यू माइनस एफ ऑफ एक्स अगर आ जाएगी, और अगर एफ ऑफ ट्वाइस ए माइनस एक्स की वैल्यू एफ ऑफ एक्स आ जाएगी तो टू टाइम्स ऑफ जीरो से लेकर ए एफ ऑफ एक्स यहां पर हो जाएगी। ये मैं यहां पर छूट गया था, एफ ऑफ एक्स ये हो जाएगी। ठीक है, सो देखिए, डेफिनेटली सीधी सी बात है कि अगर इसकी वैल्यू एफ ऑफ एक्स हो जाती है, मैं अभी ये रफ कर रहा हूं, समझाने के लिए रफ कर रहा हूं, आप पहले ही इसको नोट डाउन करके रखना कि अगर यहां पर एफ ऑफ एक्स हो गया तो अब आप देखिए, जीरो से लेकर एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस जीरो से लेकर एफ ऑफ एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, टू टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। और अगर इसकी वैल्यू माइनस होगी तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, बोलिए ये क्या हो जाएगी, अगर ये माइनस होगी तो प्लस इंटू माइनस कितना हो जाएगा आपका, माइनस, तो ये क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल। सो आंसर कितना आ जाएगा, जीरो। सो ये हुई हमारी पांच प्रॉपर्टी, मैं और दो प्रॉपर्टी अभी बताने वाला हूँ, आप इन प्रॉपर्टीज को लिख लीजिए, वैसे ये सभी के पास लिखी हुई होती है, बस ये समझाने के लिए कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। लेकिन अब यहाँ से जो चीज़ मैं बताऊँगा उसको बहुत अच्छे से सुनना, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट बनाना। अब यहाँ पर देखिए, हाँ देखिए, मेन जो प्रॉपर्टी है, जीरो से लेकर ए f ऑफ x डी एक्स इज इक्वल्स टू जीरो से लेकर a f ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी हो गई। सेकेंड प्रॉपर्टी ये है कि जीरो से लेकर, अभी जो हमने देखी थी, ट्वाइस a f ऑफ x डी एक्स इज इक्वल्स टू जीरो से लेकर a f ऑफ x डी एक्स प्लस जीरो से लेकर a एफ ऑफ ट्वाइस ए माइनस एक्स डी एक्स। एंड थर्ड प्रॉपर्टी देखिए, इंटीग्रेशन ए से लेके बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ए से लेके बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स और डी एक्स। ये हुई थर्ड प्रॉपर्टी। एंड द फोर्थ, मैं यहाँ थोड़ी जगह कम है, यहाँ बता दे रहा हूँ, फोर्थ वन, इंटीग्रेशन देखिए, फोर्थ प्रॉपर्टी देखिए एक बार, इंटीग्रेशन माइनस ए से लेकर ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू टू टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन जीरो से लेकर ए, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इफ एफ ऑफ एक्स इज इवन फंक्शन, और इसका ही आंसर जीरो हो जाएगा, जीरो if f of x is odd function। ठीक है, हाँ, अब देखिए, सबसे पहले ये चार प्रॉपर्टी, यही चार प्रॉपर्टी जो है वो ही बिल्कुल डेफिनेट इंटीग्रेशन की एकदम, ये चार प्रॉपर्टी डेफिनेट इंटीग्रेशन को चलाती है। अगर आप ये चार प्रॉपर्टी को समझ गए, इनका फंक्शन समझ गए, इनको कब कैसे अप्लाई करना है, ये चीज़ अगर आपको क्लियर होगी, आप पूरे प्रॉब्लम, पूरे चैप्टर पे कमांड कर जाएंगे। और आपको मेन, मैंने पहले भी हमेशा मेरी हर वीडियो में ये बात बोली है कि आपको कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करना है, प्रॉब्लम के ऊपर नहीं। सो हम यहाँ पर देखिए कॉन्सेप्ट बना रहे हैं अभी। देखिए, सबसे पहले इस प्रॉपर्टी, जीरो से लेकर ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब हम बहुत बार जनरली स्टूडेंट्स कन्फ्यूज हो जाते हैं कि जब प्रॉब्लम आता है कि जीरो से लेकर, मान लीजिए मेरे पास प्रॉब्लम है जीरो से लेकर पाई बाई टू साइन एक्स
डीएक्स। अब ये प्रॉब्लम आया है, अब बहुत बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस प्रॉब्लम में मैं वन वन वाली प्रॉपर्टी यूज करूँ या टू वाली, क्योंकि दोनों का भी जो स्ट्रक्चर है सेम है, जीरो से लेकर ए और ये भी जीरो से लेकर कितना है ट्वाइस है, स्ट्रक्चर सेम हो कुछ भी हो, आपको बस ये ध्यान रखना है हमेशा, याद रखना प्रेफरेंस बता रहा हूँ किसको पहला प्रेफरेंस देना है। देखिए इसका नाम मैं बोलता हूँ हमेशा, इस प्रॉपर्टी का नाम है किंग। क्या नाम है? किंग। इसको मैं किंग बोलता हूँ हमेशा, और ये किंग का दूसरा भाई है इसलिए इसको मैं बोल दूंगा किंग वन या किंग टू। इसको किंग वन बोल दो और इसको किंग टू बोल दो। सो इसको मैं बोलता हूँ किंग वन और इसको बोलता हूँ मैं किंग टू, क्योंकि ये देखिए दोनों भी जो प्रॉपर्टी का फंक्शन है सेम है, बिल्कुल सेम है। सो इसको बोलते हैं हम किंग वन और इसको बोलते हैं हम किंग टू, और इसको मैं बोलता हूँ क्वीन। इसका नाम मैंने दिया है क्वीन। सो पहले आप किसको अप्लाई करना है आपको जजमेंट आ गया होगा, पहला कौन होता है? किंग। किंग सबसे बड़ा होता है। तो सबसे पहले आप हमेशा याद रखना, जब भी जीरो से लेकर जीरो वाला लोअर लिमिट में अगर जीरो है तो आपको कौन सी लिमिट पहले अप्लाई करनी है? किंग अप्लाई करनी है। और इसको मैंने किंग टू इसलिए बोला है कि अगर ए से लेकर बी भी दिखता है तो आप किंग टू अप्लाई करके देख सकते हो। और इसका नाम क्या है? क्वीन। अगर किंग अप्लाई करने है, पहले तो अप्लाई किंग ही करना है, अगर किंग अप्लाई करने से आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है उसके बाद आपको क्वीन को अप्लाई करना है। और ये याद रखना किंग वन या किंग टू एक ही बात होती है, आप एक तो किंग वन अप्लाई करिए या तो किंग टू अप्लाई करिए, ठीक है, एक ही चीज़ रहेगी। ऐसा नहीं दोनों आप अप्लाई नहीं कर सकते, आपको सिर्फ किंग वन को ही अप्लाई करना है, और फिर अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो आप क्वीन पर जाएंगे। किंग और क्वीन प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगा, ये गारंटी हमारी, ठीक है। सो याद रखना ये फर्स्ट प्रेफरेंस हुआ, ये भी फर्स्ट हुआ, इसको आप ए बोल लो फर्स्ट ए, इसको आप बोल लो फर्स्ट बी, ये आपका सेकंड प्रेफरेंस हुआ, ठीक है, और ये आपका थर्ड प्रेफरेंस हुआ है, ठीक है। माइनस ए से लेकर ए एफ ऑफ एक्स डीएक्स, ये आपको प्रॉब्लम देख के ही समझ में आ जाएगा कि मतलब ये लिमिट्स देख के ही आपको समझ में आ जाएगी माइनस ए से लेकर ए की, ठीक है, एफ ऑफ एक्स डीएक्स। सो ये चारों प्रॉपर्टी किंग, किंग टू, क्वीन एंड नंबर थ्री, तो प्रेफरेंसेस भी लिख लीजिए, समझ लीजिए कब कौन सी अप्लाई करनी है, ठीक है, नोट डाउन। यस, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहला क्वेश्चन देख रहे हैं हम डेफिनेट इंटीग्रेशन का, थोड़ा बेसिक क्वेश्चन है मगर ये भी आईआईटी जेडब्ल्यू मेन्स, आई आई टी जेडब्ल्यू मेन्स, ये शायद 2002 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। देखिए क्वेश्चन बेसिक है मगर हम इसको पहले प्रॉपर्टी से समझेंगे कि प्रॉपर्टी से इसको सॉल्व कैसे करना है, और एंड में मैं आपको इस प्रॉब्लम की एक ट्रिक बता दूंगा कि बिल्कुल आप सेकेंड में इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे, वन सेकेंड टू सेकेंड में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सो देखिए क्वेश्चन, देखिए सबसे पहले देख रहा हूँ किस थ्री से लेकर सिक्स, क्वेश्चन पढ़िए, इंटीग्रेशन थ्री से लेकर सिक्स रूट एक्स अपॉन रूट ऑफ 9 माइनस एक्स प्लस रूट एक्स इंटू डीएक्स। आपके पास चार ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 1/2, दूसरा ऑप्शन है 3/2, तीसरा ऑप्शन है 2 एंड द लास्ट ऑप्शन इज 1। सो अब हमको इसका इंटीग्रेशन करना है। सबसे पहले देखना जैसे ही प्रॉब्लम आता है आप एक चीज देखिए, 6 प्लस 3 कितना होता है 9, और प्रॉब्लम में 9 अगर आपको दिख रहा है तो आप ये समझ जाना कि हमको इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन ए से लेके बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ए से लेके बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स इंटू डी एक्स, इस वाले प्रॉपर्टी का यूज करना है, ठीक है। सो अब देखिए ध्यान से देखते हुए चलना, मैं ये प्रॉपर्टी का यूज करूंगा, ये प्रॉपर्टी मेरे को कैसे ट्रिक हुई, मतलब क्लिक कैसे हुई है, क्योंकि 6 प्लस 3 कितना होता है 9, और मैंने ऑब्जर्व किया कि 9 यहां पर प्रेजेंट दिख रहा है, मैं समझ गया कि मेरे को इस प्रॉपर्टी का यूज करना है। अब मैं प्रॉपर्टी यूज करने वाला हूं, देखते हुए चलिएगा। सो आई इज इक्वल्स टू, देखिए हमेशा ये बिल्कुल याद रखना, जो भी इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम है आप उसको पहले आई बोल देना। सो आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, बोलिए कितना, 3 से लेकर कितना है बोलिए 6 रूट एक्स और अपॉन में अंडर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स प्लस रूट एक्स इंटू डी एक्स, इसको दे दिया मैंने नंबर 1। इसके बाद देखिए अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं ये प्रॉपर्टी अप्लाई करने वाला हूँ, प्रॉपर्टी अप्लाई करूँगा मैं हर x की जगह a प्लस बी माइनस एक्स करूँगा, हर x की जगह मैं a प्लस बी माइनस एक्स को क्या कर दूंगा, रिप्लेस कर दूंगा। सो देखिए i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 3 से लेकर कितना 6,
देखते हुए चलेगा अंडर रूट ऑफ एक्स की जगह मैं रिप्लेस कर रहा हूँ क्या ए प्लस बी माइनस एक्स, मेरा ए कौन है थ्री, बी कौन है सिक्स, थ्री प्लस सिक्स कितना हो गया बोलिए नाइन, सबको समझ में आ गया है आई होप, अंडर रूट ऑफ कितना हो जाएगा नाइन माइनस एक्स, मैंने क्या कर दिया ए प्लस बी माइनस एक्स को रिप्लेस कर दिया है, एक्स की जगह मैं रिप्लेस किसको करने वाला हूँ सिक्स प्लस थ्री माइनस एक्स को यहाँ पर नोट करके रख दिया है, लिख लीजिएगा इसको बाद में, और अगेन देखिए अंडर रूट ऑफ नाइन माइनस अगेन एक्स की जगह हम क्या रिप्लेस करने वाले बोलिए नाइन माइनस एक्स, और प्लस अंडर रूट ऑफ बोलिए कितना आ जाएगा अगेन एक्स की जगह नाइन माइनस एक्स और ये डी एक्स। अब आप देखिए ये बेसिक स्टेप्स है, बहुत छोटी छोटी स्टेप्स है, मैं जानबूझ के बता रहा हूँ क्योंकि पहला प्रॉब्लम है, आपके कॉन्सेप्ट बन जाने चाहिए, एक बार कॉन्सेप्ट बन जाएंगे आप क्वेश्चन पे धीरे 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 कमांड आपके आने स्टार्ट हो जाएगी। तो देखते हुए चलेगा, देखिए अब ये नाइन से नाइन कैंसिल हो गया एंड अगेन ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, तो देखिए अब मेरा जो प्रॉब्लम है वो कैसे बन गया, तो प्रॉब्लम जो बना है वो बन गया मेरा आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ बोलिए थ्री से लेकर कितना सिक्स रूट ऑफ नाइन माइनस एक्स और अपॉन में बोलिए अंडर रूट ऑफ क्या बच गया ये सिर्फ एक्स, समझ में आया क्या सभी को, क्योंकि ये नाइन से नाइन कैंसिल माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, माइनस माइनस क्या हो गया आपका प्लस और प्लस अंडर रूट ऑफ नाइन माइनस एक्स और इसको दे देना है नंबर टू। नंबर टू कब देना है, नंबर टू तब देना है पहले प्रॉपर्टी अप्लाई करना है, प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई मतलब कुछ नहीं प्लस माइनस जो हो रहा है वो कर देना है और जो स्टेप मिलेगी सिंप्लीफाई करने के बाद उसी को अपने को नंबर टू देना है। बहुत बार बहुत से स्टूडेंट्स कन्फ्यूज हो जाते हैं कब नंबर टू देना है, किसको क्या नंबर वन बोलते हैं, दिस इज़ द नंबर वन एंड दिस इज़ नंबर टू, और जैसे ही आपने नंबर टू दे दिया उसके बाद आप लोग देखिए क्या करेंगे एडिंग, ध्यान से देखते हो चलेगा एडिंग वन एंड टू, और जब आप एडिंग वन एंड टू करने वाले हो तो आप अच्छे से ऑब्जर्व करिए, ऑब्जर्वेशन अच्छा बनाइए हमेशा, नंबर वन का डिनोमिनेटर देखिए क्या है बोलिए अंडर रूट ऑफ नाइन माइनस एक्स और प्लस कितना है बोलिए रूट एक्स, और आप नंबर टू का डिनोमिनेटर देखिए कितना है रूट एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ नाइन माइनस एक्स अंडर रूट ऑफ नाइन माइनस एक्स। सो मैंने ऑब्जर्व किया नंबर वन और नंबर टू का जो दोनों का डिनोमिनेटर है वो क्या है सेम है, और सेम है तो अब मैं जब एडिंग करूंगा तो जो लेफ्ट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड से ऐड होगा, लेफ्ट हैंड में कौन है बोलिए आई, तो आई प्लस आई विल भी बोलिए कितना जाएगा टू आई, समझ में आया गया ये आई और ये आई, आई प्लस आई टू आई, समझ में आया, लेफ्ट हैंड साइड से ऐड होगी, राइट हैंड साइड से ऐड होगी, और जब मैं राइट हैंड साइड को ऐड करने वाला हूँ तो मैंने देखा कि दोनों की जो इंटीग्रेशन की लिमिट्स है वो क्या है सेम है, तो मैं उसको एक ही मतलब एक ही लिमिट्स के अंदर मैं दोनों प्रॉब्लम को दोनों फंक्शन को लिख सकता हूँ। सो देखिए इंटीग्रेशन ये हो गया मेरा थ्री से लेकर कितना सिक्स, और अब मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, दोनों के भी डिनोमिनेटर जब सेम है तो मैंने सिर्फ क्या किया एक ही डिनोमिनेटर लिखा कॉमन दैट इज नाइन माइनस एक्स और प्लस कितना हो गया रूट एक्स इंटू डी एक्स, और अब आप देखिए इसका जो नंबर वन का न्यूमेटर है वो कितना था रूट एक्स प्लस और इसका कितना आया था तो बोले अंडर रूट ऑफ नाइन माइनस एक्स, मैंने ऑब्जर्व किया कि धिस टर्म एंड धिस टर्म क्या हो गई आपकी कैंसल, और जब ये टर्म आपकी कैंसिल हो गई है तो यहाँ पर क्या बन गया वन, और वन का इंटीग्रेशन कितना होता है एक्स। सो बोलिए देखते हुए चलेगा, मैं एक एक स्टेप बता रहा हूँ, आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ थ्री से लेकर कितना है सिक्स और ये वन इंटू डी एक्स, सो वन का इंटीग्रेशन बोलिए कितना होता है, बोलते हुए चलिएगा सभी लोग आई इज इक्वल्स टू वन का इंटीग्रेशन कितना हो गया एक्स, लिमिट्स क्या है बोलिए थ्री से लेकर सिक्स, अपन क्या करते हैं बोलिए डेफिनेट इंटीग्रेशन का बेसिक रूल है बोलिए क्या है रूल, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो बोलिए सिक्स, यहाँ पे हम x की जगह पहले किसको पुटअप करेंगे सिक्स को, माइनस फिर किसको पुटअप करेंगे थ्री को, सो बोलिए सिक्स माइनस थ्री, और सॉरी ये टू आई था, ये टू आई मिसिंग हो गया मेरा, टू आई था, सिक्स माइनस थ्री इज इक्वल्स टू आंसर कितना आ गया बोलिए थ्री, सबको ये चीज़ क्लियर हुई, लेकिन ये आंसर किसका आया है टू आई इज इक्वल्स टू किसका आया है थ्री, हमको आंसर किसका निकालना है आई का, हमको आंसर किसका निकालना है आई का, तो ये जो टू है उसको अपन कहाँ भेजेंगे थ्री के डिवाइड में, मल्टीप्लाई में है डिवाइड में जाएगा, सो आई इज इक्वल्स टू कितना हो गया बोलिए थ्री बाय टू, सो मेरा ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया ऑप्शन बी इज द करेक्ट। अब
ये हुआ, हमने पूरा डिटेल में प्रॉब्लम को सॉल्व किया। अब मैं आपको इसकी बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही ट्रिक, अच्छी ट्रिक बताता हूँ, जो भी बहुत आपको ये इतना जो मैंने सॉल्व किया ये सब करने की कोई भी गरज नहीं थी, लेकिन क्योंकि अभी हम क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस नहीं, हम कॉन्सेप्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, इसलिए मैंने आपका कॉन्सेप्ट बना दिया। अब ये भी देखिए, जो देख कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, जब मैंने आपको बताया था कि a प्लस बी माइनस एक्स कब अप्लाई करना है, जब अपर लिमिट और लोअर लिमिट का जो सम करेंगे और अगर वो प्रॉब्लम में ऑलरेडी प्रेजेंट है वो नंबर, तब हम ये प्रॉपर्टी का अप्लाई करेंगे। अब आपको क्या करना है, सिंपली इतना सॉल्व नहीं करना है आपको, देखिए ये शॉर्टकट ट्रिक है, ये शॉर्टकट है, ठीक है। देखिए शॉर्टकट कैसे करना है आपको, आई इज इक्वल टू, सिंपली फॉर्मूला याद रखना, जब ये शॉर्टकट ट्रिक कब अप्लीकेबल है, अगर लोअर लिमिट और अपर लिमिट का सम, यानी कि जैसे 9 होता है, अगर वो प्रॉब्लम में अवेलेबल है तो ही ये शॉर्टकट ट्रिक अप्लाई होगी। बात ध्यान से सुनना, तो मैंने ऑब्जर्व किया कि 6 + 3 9, और 9 मतलब ही कितना, 6 + 3 9, और 9 यहाँ पर प्रेजेंट है, तभी ये शॉर्टकट ट्रिक अप्लाई हो रही है। या ऐसा समझ लो, जब ये प्रॉपर्टी अप्लाई होगी तभी शॉर्टकट ट्रिक अप्लाई होगी। तो शॉर्टकट ट्रिक अप्लाई करने जा रहा हूँ, शॉर्टकट जो ये ट्रिक है हमारी, याद रखना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, बिल्कुल याद रख लीजिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, यानी कि देखिए आप ऑब्जर्व कर लीजिए, हु इज अपर लिमिट 6 है ना, माइनस 3 एंड अपॉन में 2, आप देखिए 6 - 3 कितना हो गया, 3/2, और आप देखिए सेकंड में आंसर आ गया। सो ये बात ध्यान में रखना, जब भी a प्लस बी माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी अप्लाई होगी तब ये शॉर्टकट ट्रिक आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, नोट डाउन। यस, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आ गए हैं, क्वेश्चन देखते हुए चलिए। इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 अंडर रूट ऑफ कॉटेक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ टैन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ कॉटेक्स डीएक्स, आपके पास 4 ऑप्शन है, मैं ऑप्शन रीड कर रहा हूँ। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए इज पाई, ऑप्शन बी इज π/2, ऑप्शन सी इज π/4 एंड ऑप्शन डी इज π/3। अगेन देखिए, इस क्वेश्चन में मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, कॉन्सेप्ट बताने के बाद इसी प्रकार के और कौन से क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, और शॉर्टकट ट्रिक लास्ट में शॉर्टकट ट्रिक के बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। यहाँ पर भी वही शॉर्टकट ट्रिक अप्लाई करनी है जो पीछे हमने सीख ली थी, पर एक बार देखिए क्वेश्चन, 0 से लेके π/2, जैसे ही मैंने लिमिट्स को देखिए, देखिए सॉल्यूशन है ना, 0 से लेके π/2, मैंने आपको अभी जब ही बता दिया था कि सबसे पहले हमको किसको फोकस करना है, किंग के ऊपर, पहले कौन अप्लाई होगा, किंग, उसके बाद क्वीन, अगर किंग से काम नहीं बना तो हम क्वीन को अप्लाई करेंगे, ठीक है। सो बोलिए किंग प्रॉपर्टी क्या आती है, एक बार रिवाइज कर लीजिए, 0 से लेकर a f ऑफ x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेकर a f ऑफ a माइनस x इंटू dx, हमको क्या करना है, x की जगह a माइनस x को क्या करना है, रिप्लेस करना है, यहां पर a की वैल्यू कौन है बोलते हुए चलिएगा, π/2। सो देखिए ध्यान से देखिए, I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर कितना π/2 रूट ऑफ कॉटेक्स और अपॉन में रूट ऑफ टेन एक्स प्लस रूट ऑफ कॉटेक्स इंटू डीएक्स। अब हम यहां पर क्या करेंगे, x की जगह रिप्लेस करेंगे किसको, a माइनस एक्स को, सो बोलते हुए चलिए I इज इक्वल्स टू नंबर 1 दे देना है इसको, बोलिए रूट 0 से लेकर कितना, बोलिए π/2 अंडर रूट ऑफ, बोलिए x की जगह हम किसको रिप्लेस करने वाले हैं, a माइनस एक्स को, x की जगह रिप्लेस करेंगे a माइनस एक्स को, a कौन है हमारा, π/2, सबको क्लियर है, सो वी आर रिप्लेसिंग x है ना विथ π/2 माइनस एक्स, सो फोकस ऑन द बोर्ड, फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट, इंटीग्रेशन अंडर रूट ऑफ कॉट π/2 माइनस एक्स और अपॉन में अंडर रूट ऑफ, बोलिए अगेन टैन, बोलते हुए चलिए π/2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ, बोलिए कॉट, अगेन बोलिए π/2 माइनस एक्स इंटू डीएक्स। अगेन मैंने आपको ये चीज बताई थी, नंबर 2 कब देना है, पहले प्रॉपर्टी अप्लाई करना है, अप्लाई करने के बाद उसको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई का मतलब जो भी चीजें उसमें सिंप्लीफाई हो रही है उसको सिंप्लीफाई करना है, जैसे कि यहां देखिए cot π/2 माइनस एक्स, वी ऑल नो दैट, ध्यान से सुनना, दैट cot π/2 माइनस थीटा इज tan थीटा, tan π/2 माइनस थीटा इज cot थीटा, sin π/2 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, अगेन बोलिए कॉस π/2 माइनस थीटा इज
साइन थीटा, ये फॉर्मूले मुझे पता है आपको आते, पर फिर भी कॉन्सेप्ट बनाने के लिए बता रहा हूँ। अगेन बोलिए सेक पाई बाय टू माइनस थीटा इज बोलिए कोसेक थीटा, एंड कोसेक पाई बाय टू माइनस थीटा इज सेक थीटा, ये सभी को पता है। सो देखिए प्रॉब्लम अगर इस प्रकार से आता है, जीरो से लेके पाई बाय टू की अगर रेंज है, रूट हो पावर में थ्री बाय टू हो, ये रूट से कोई फर्क नहीं पड़ता, रूट होन दो, थ्री बाय टू रहन दो, फाइव बाय टू, पावर कुछ भी रहे, आपको देखना है कि क्या प्रॉब्लम में कॉट और टैन की जोड़ी बनी हुई है, कि क्या प्रॉब्लम में साइन और कॉस की जोड़ी बनी है, या प्रॉब्लम में सेक और कोसेक की जोड़ी बनी है। कोई भी ये जोड़ी बन के आई है, या ये जोड़ी आई है, या ये जोड़ी आई है, आंसर विल बी सेम। चाहे इससे आंसर निकालो, या इससे आंसर निकालो, या इससे आंसर निकालो, आंसर आपका वही आएगा। देखते हुए चलिए, सो आई इज इक्वल्स टू बोलिए इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से लेकर कितना बोलिए पाई बाय टू अंडर रूट ऑफ बोलिए कॉट 90 माइनस थीटा टैन थीटा, मतलब कि टैन एक्स अगेन अपॉन में अंडर रूट ऑफ बोलिए टैन पाई बाय टू माइनस एक्स इज अगेन कॉट एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ कॉट 90 माइनस एक्स इज अगेन बोलते हुए चलेगा कितना हो गया टैन एक्स और इन टू डी एक्स। इसको देना क्या है हमको नंबर टू। सो नंबर वन हो गया, नंबर टू हो गया, आपको बताया था जैसे नंबर वन और नंबर टू मिल जाते हैं क्या करना है, एडिंग वन एंड टू, करेक्ट। सो हम इसको अब एडिंग वन एंड टू करेंगे। अब आप पूरा ध्यान यहाँ पे रखना, इनको आप नोट डाउन करके रखना, ये जो स्पेशली पेयर मैंने बनाई थी इस पेयर को नोट डाउन करके रखना, ये आपको फ्यूचर में काम आएगी, मतलब आगे प्रॉब्लम में एक्सप्लेन करूंगा। सो देखिए एडिंग वन एंड टू जैसे ही मैं कर रहा हूं, एडिंग वन एंड टू, जैसे ही मैंने एडिंग वन एंड टू किया, सो लेफ्ट हैंड वाला आई, लेफ्ट हैंड वाले आई से क्या हो जाएगा एड, सो आई प्लस आई कितना हो जाएगा बोलिए टू आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन। अगेन देखिए नंबर वन, नंबर वन को ऑब्जर्व करिए, नंबर टू को ऑब्जर्व करिए, देखिए एक एक चीजों को अच्छे से ऑब्जर्व करना, क्या दोनों की लिमिट सेम है, सेम है, मतलब अगर लिमिट सेम है तो उनको एक ही लिमिट के अंदर में लिख देना है हमको। उसके बाद दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, सेम है, तो अगर दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो आपको एक ही बार डिनोमिनेटर लिखना है, दैट इज अंडर रूट ऑफ कॉट एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ टैन एक्स इंटू डी एक्स। हम सभी को बताए चाहे रूट ऑफ टैन एक्स प्लस कॉट एक्स या रूट ऑफ कॉट एक्स प्लस टैन एक्स एक ही होता है, ए प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए, सेम बात होती है। इसका न्यूमरेटर कौन है बोलिए रूट ऑफ कॉट एक्स प्लस इसका न्यूमरेटर कौन है बोलिए रूट ऑफ टैन एक्स, ये बात याद रखना, आपको पता है पर फिर भी मैं बता रहा हूँ कि अगर a अपॉन b है और प्लस मेरे को c अपॉन b करना है, तो मैंने देखा दोनों के डिनोमिनेटर अगर सेम है तो मैं डायरेक्टली इसको एक कॉमन डिनोमिनेटर लिख सकता हूँ और न्यूमरेटर का डायरेक्टली मैं एडिशन कर सकता हूँ, यानी कि a प्लस c होल अपॉन b मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ। तो यही कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पर भी अप्लाई किया, मैंने ऑब्जर्व किया दोनों के भी डिनोमिनेटर क्या थे, सेम थे, और डिनोमिनेटर सेम थे इसलिए मैंने डायरेक्टली स्टेप बचानी है, जल्दी जल्दी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, एंट्रेंस का प्रॉब्लम है, बोर्ड्स का प्रॉब्लम नहीं है हमारे लिए। सो देखिए अगेन आपने ऑब्जर्व किया ये कैंसिल हो गया, क्या बन गया वन है ना। सो बोलिए टू आई इज इक्वल टू क्या मिल गया बोलिए वन, जीरो से लेकर कितना पाई बाय टू, बिल्कुल देखिए पिछले वाले प्रॉब्लम की तरह बन गया है वन इंटू डी एक्स, और हमको पता है कि वन का आंसर कितना होता है बोलिए टू आई इज इक्वल टू बोलिए वन का इंटीग्रेशन कितना होता है एक्स, वन का इंटीग्रेशन एक्स, वन का इंटीग्रेशन एक्स, जीरो से लेकर कितना पाई बाय टू, सबको ये चीज क्लियर हो गई। अगेन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इंटीग्रेशन हो जाता है तब क्या करते हैं अपन, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सो देखिए टू आई इज इक्वल टू कितना आएगा, एक्स की जगह एक बार आप किसको पुट करेंगे पाई बाय टू को, फिर आप किसको पुट करेंगे जीरो को, सो बोलिए पाई बाय टू माइनस जीरो इज बेसिकली आंसर कितना आया पाई बाय टू, लेकिन ये किसका आंसर आया टू आई का, हमको किसका आंसर चाहिए था, गड़बड़ नहीं करना, पाई बाय टू पे टिक नहीं कर देना, हमको किसका आंसर चाहिए आई का, हमको किसका आंसर चाहिए आई का। सो ये टू जब डिवाइड में जाएगा तो आई इज इक्वल्स टू बोलिए पाई बाय टू है ना, ये हो गया आपका पाई बाय टू, ये टू इधर जाएगा तो ये टू से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, सो हमारा आंसर कितना आ जाएगा बोलिए पाई बाय फोर। सो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ सी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आई आई टी 1983 में आया हुआ क्वेश्चन है, आई आई टी 1983 में क्वेश्चन आया था, काफ़ी पुराना क्वेश्चन है ये, लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है प्रीवियस क्लासेस में, प्रीवियस वीडियोस में, कि पुराने आईआईटी के क्वेश्चंस जनरली उस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में रिपीट होने के चांसेस होते हैं। अब आते हैं हम इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट के ऊपर, देखिए
हमको पता है आपको इस क्वेश्चन को आप बहुत ही जल्दी से कैसे सॉल्व करना है, आपको सिर्फ क्या करना है। जैसे आपने देखा कि प्रॉब्लम 0 से लेके पाई बाय 2 है, ध्यान से सुनना, नोट करके रखिए, अगर प्रॉब्लम में लिमिट्स 0 से लेके पाई बाय 2 की है, अगर प्रॉब्लम में लिमिट्स 0 से लेके पाई बाय 2 की है, दूसरी बात, फिर उसके बाद आपको ये रूट पावर 3/2, पावर 5/2, क्यूब, स्क्वायर, कुछ भी रहने दो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये है, आपको सिर्फ उसके बाद एक चीज़ देखनी है, क्या यहाँ पे टैन और कॉट की जोड़ी है। क्यों टैन और कॉट? क्योंकि टैन 90 माइनस थीटा अभी लिखवाया था, कितना होता है कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टैन थीटा। और अगर साइन या कॉस की जोड़ी हो सकती है, बिकॉज साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा एंड कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा। सेक और कोसेक की जोड़ी हो सकती है प्रॉब्लम में, बिकॉज सेक 90 माइनस थीटा इज कोसेक थीटा एंड कोसेक 90 माइनस थीटा इज सेक थीटा। सो यहाँ पर क्वेश्चन में टैन और कॉट भी आ सकता है, साइन और कॉस भी आ सकता है, और सेक और कोसेक भी आ सकता है। ये तीन जोड़ियाँ हैं हमारे पास, तीन जोड़ियों में से कोई भी जोड़ी अगर प्रॉब्लम में आती है, सेम आंसर आएगा, दैट इज़ कितना, पाई बाय 4। आपको इतना सॉल्व नहीं करना है, आप एक तो आंसर याद करके रख लो कि इसका आंसर पाई बाय 4 है, या आप चाहो तो मैं इसकी ट्रिक बता देता हूँ, ये याद रखना कि आंसर रहेगा आई इज इक्वल्स टू अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, दैट्स इट, खत्म, आंसर आ गया हमारा। अपर लिमिट बोली कितनी थी यहाँ पे, अपर लिमिट पाई बाय 2 एंड डिवाइड बाई 2, सो पाई बाय 2 डिवाइड बाई 2, आंसर कितना आ जाएगा बोलते हुए चलिएगा, करेक्ट, आई इज इक्वल टू कितना आ गया बोलिए, पाई बाय 4। तो ये हुआ हमारा कॉन्सेप्ट, ट्रिक्स एंड क्वेश्चन। पहले पूरा सॉल्व किया, कॉन्सेप्ट बनाया, ट्रिक भी देख ली, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, क्वेश्चन क्लियर हुआ है, नोट डाउन कर लीजिए। यस, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं, इंटीग्रेशन पाई बाय 6 से लेकर पाई बाय 3 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ टैन एक्स। सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन 2013 मेंस में ये क्वेश्चन आया था। देखिए बहुत ही सिंपल सा सवाल है, जेई मेंस में ये क्वेश्चन आया था, ठीक है, 2013 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ये क्वेश्चन रीजनिंग एक टाइप होता था पहले जेई मेंस में, जो अभी नहीं रहा है, पहले उस रीजनिंग टाइप में ये क्वेश्चन को पूछा गया था। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, सबसे पहले रूट टैन एक्स, मेरा ऑब्जर्वेशन गया, दो चीज़ों पे ऑब्जर्वेशन जाना चाहिए, है ना, जब भी लोअर लिमिट अपर लिमिट होती है तो आप दो चीज़ों पे देख लो, तो अगर ट्रिग्नोमेट्री है तो ट्रिग्नोमेट्री को तो देखना ही है, और लोअर लिमिट अपर लिमिट को भी देखना है। सो मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी कि जो लोअर लिमिट है वो कितनी है पाई बाय 6, और अपर लिमिट है वो कितनी है पाई बाय 3। सो पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 3 कितना होता है पाई बाय 2, सभी को पता है ये चीज़, है ना, ये पाई बाय 6 मतलब कितना हो गया 30 डिग्री, पाई बाय 3 मतलब कितना हो गया 60 डिग्री, दैट इज 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री इज 90 डिग्री, मतलब कितना हो गया पाई बाय 2, ठीक है। तो ये हुई पहली चीज जो मैंने ऑब्जर्व करी। दूसरी चीज मैंने देखा रूट टैन एक्स, ठीक है, इसके ऑप्शन मैंने इसलिए नहीं लिखे हैं क्योंकि वो रीजनिंग टाइप में आया था, तो रीजनिंग में ऑप्शन कुछ अलग हुआ करते थे, तो वहां पर से हमको चेक करके बताना पड़ता था कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है इसको सॉल्व करके, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन को देखते हैं हम, कॉन्सेप्ट को देखते हैं, आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, बोलिए कितना है पाई बाय 6 से लेकर कितना पाई बाय 3, 1 अपॉन 1 प्लस अंडर रूट ऑफ टैन एक्स। अंडर रूट ऑफ टैन एक्स मतलब कितना होता है, बोलिए अंडर रूट ऑफ साइन एक्स, और अपॉन में अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स इंटू डी एक्स। ये स्टेप सबको क्लियर है, पक्का, सिंपल, कॉट एक्स रहेगा तो कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स लिखना है, टैन एक्स रहेगा तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स लिखना है, बिल्कुल नोट करके रखिए, कॉपी पेन लेके पढ़िए मेरे साथ, आपके पूरे कॉन्सेप्ट में क्लियर करा के दूंगा। देखिए टैन एक्स रहेगा तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स लिखना है, कॉट एक्स रहता तो मैं कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स लिखता। सेम स्टेप मैं फिर रिपीट करूंगा, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाय 6 से लेकर कितना हो गया पाई बाय 3, ये क्वेश्चन मैं पूरा सॉल्व करूंगा ही नहीं, एक लेवल पे आने का तो आपको समझ आ जाएगा कि क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है। देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूँ मैं डिनोमिनेटर में, बोले कितना आएगा, तो बोले अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ साइन एक्स एंड होल अपॉन अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स इंटू डी एक्स एंड 1 अपॉन, वी ऑल नो दैट ऊपर जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। छोटी छोटी बातें मैं बता दे रहा हूँ कि 1 अपॉन अगर a बाई बी होता है तो हम इसको b बाय a लिख सकते हैं, सो मैं इसको ऊपर लेके जाने वाला हूँ और रेसिप्रोकल करने वाला हूँ, सो i इज इक्वल्स टू देखते हुए चलेगा, बोले कितना आया, बोले पाई बाय 6 और पाई बाय 3, हाँ और अगेन बोलिए अंडर रूट ऑफ कितना आ जाएगा, बोलिए cos x एंड अपॉन में अंडर रूट ऑफ cos x
प्लस अंडर रूट ऑफ साइन एक्स इन टू डी एक्स। आगे सॉल्व करना नहीं है, क्योंकि मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में एक बात आपको बताई थी कि अगर साइन और कॉस, टैन और कॉट, सेक और कोसेक की जोड़ी आती है, तो हमने दोनों ट्रिक जो देखी थी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइड बाई टू, और अगर नीचे जीरो है तो ओनली अपर लिमिट डिवाइडेड बाय टू। लेकिन अभी यहाँ जीरो नहीं है, तो हमने जो पहले वाले प्रॉब्लम में ट्रिक सीखी थी, कौन सी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय टू, सिंपली हम ट्रिक अप्लाई करेंगे, हमारा आंसर बाहर हो जाएगा। आई इज इक्वल्स टू, बोलिए अपर लिमिट, फॉर्मूला हम देख चुके हैं, बोलिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय टू। सो बोलते हुए चलिए, हु इज अपर लिमिट, बोले पाई बाय थ्री माइनस पाई बाय सिक्स एंड डिवाइडेड बाय टू। सो पाई बाय थ्री माइनस पाई बाय सिक्स इज बेसिकली पाई बाय सिक्स एंड डिवाइडेड बाय टू। सो माय आंसर इज पाई बाय 12। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था, कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट देखिए कितना बढ़िया था। टैन को लिख दिया साइन अपन कॉस, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, ऊपर चला गया, जैसी जोड़ी बन गई हमको समझ आ गया यार ये वो प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन है, शॉर्टकट ट्रिक वाला क्वेश्चन था, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, नोट डाउन।